दोस्तों, मैं हासी की आवाज़ से आपका मित्र राजीव बंसल एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ हासी की समस्याओं को लेकर। हासी शहर समस्याओं का शहर है, जहाँ बुजुर्ग भी इन समस्याओं को लेकर, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी भी समस्याओं को लेकर अगर एकत्रित होते हैं, तो आप मानिए कि हासी शहर की कितनी दशा होती है। आज बजरंग आश्रम के अंदर कुछ सेवानिवृत्त सीनियर सिटीजन्स, सेवानिवृत्त कर्मचारी और सीनियर सिटीजन और कई एनजीओज संस्थाएं जो हासी की बदहाली को लेकर बहुत बेचैन है, उनके दिल में मलाल है। हासी में बहुत समस्याएं हैं, स्टे कैटल्स की, आवारा पशुओं की, पानी की निकासी, तो दो बूंद पानी होता है तो शहर पूरा दरिया हो जाता है। लो लाइन एरिया के अंदर, बस्तियों के अंदर, घरों के अंदर पानी भर जाता है। संस्था की तो इतनी बुरा हाल है कि गंदगी के ढेर आपको मानो शहर में एंटर करते ही स्वागत करते हैं। ऐसे में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अपनी कुछ मांगे भी हैं। आज इनकी एक बैठक है और ये सेवानिवृत्त कर्मचारी सीनियर सिटीजन्स हासी की बेबुद्धि के बारे में, हासी की समस्याओं के बारे में लोगों को अवगत करवा रहे हैं और आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कुछ अपनी मांगे हैं, सरकार उनके प्रति उदासीन है। आइए जानते हैं प्रोफेसर सलोजा से, कमल सलोजा जी से, जो अभी हाल ही में अपना वक्तव्य भी दे रहे थे कि आज की मीटिंग का आपका क्या उद्देश्य है और किस लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। सलोजा जी, आप सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं और सीनियर सिटीजन्स में भी आते हैं। हांसी के लिए आपका दिन धड़कता है, हांसी शहर बहुत बदहाली की ओर जा रहा है, तो फिलहाल आप आज मीटिंग जो बुलाई है, इसका क्या मुख्य एजेंडा है? सबसे पहले तो बंसल जी, मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपके कैमरामैन का भी धन्यवाद करूंगा, आप हमेशा ही हमारी आवाज़ बनकर उभरते हैं। हम लोगों ने मीटिंग आज इसलिए बुलाई थी कि ये संवेदनशील बड़ा मुद्दा है और इसकी रणनीति तय की जाए। हमारा प्रयास ये रहेगा कि संवेदनशील लोगों को इकट्ठा करके, चाहे हमें नगर पालिका का घेराव करना पड़े, मानव दीवार बनानी पड़े, उसके लिए एक संदेश देना चाहेंगे कि हांसी की अव्यवस्था इस स्तर तक जा चुकी है कि लोग आंदोलन के रास्ते पर आ गए हैं। इस कड़ी में यदि नगर पालिका नहीं जागती है तो हमें, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे लघु सचिवालय है, 2000 आदमी लेकर सभी संवेदनशील लोगों को इकट्ठा करके पूरी मानव दीवार बनाकर लघु सचिवालय को भी घेरने का प्रयास है। हमारी कोई आम मांग नहीं है, ये हमारी कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है। पीने के पानी की सही व्यवस्था करना ये प्रशासन का कार्य है। आज़ादी के बाद से आज तक प्रशासन हांसी के नागरिकों को साफ सुथरा पानी पिलाने की व्यवस्था नहीं कर पाया, ये हमारे लिए और प्रशासन के लिए बड़े शर्म की बात है। हांसी एक बहुत बड़ा ही ऐतिहासिक नगर है, इसकी पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। हल्की फुल्की बरसात 15 मिनट के लिए आती है तो सड़कें और गलियां सैलाब बन जाती हैं, नदियों का रूप धारण कर लेती हैं। और अव्यवस्था मुख्य मार्ग की, हांसी का जो दिल है SD कॉलेज रोड, अगर इसको आप देखें तो यहाँ लगभग 2500 विद्यार्थी लड़कियाँ जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आती हैं, अगर पानी 5 मिनट बरस जाए तो उनका चलना बड़ा दूभर हो जाता है, ये हमारे लिए भी बड़े अपमान की बात है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की क्या मांगे? जहाँ तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बात है, हमारी मांगे मुख्यमंत्री ने प्रांतीय स्तर पर मानी थी। मांग सबसे पहले ये थी कि रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन 65 साल के बाद एक अनुपातिक दर से पंजाब के पैटर्न पर वृद्धि की जाए, और मुख्यमंत्री जी ने पूरी कमेटी के सामने इस बात को माना भी था, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। मिनट में भी छपी थी हमारी कैशलेस की डिमांड थी, वो अब घोषणा की है सरकार ने, अगर वो लागू होती है तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे। इसके अतिरिक्त और हमारी बहुत सारी मांगे हैं, चाहे मेडिकल की बात हो, समय समय पर हमें भत्ते देने की बात हो, ये जो मांगे, बिल्कुल सरकार का उदासीन रवैया है। जब तक सरकार इनके प्रति सजग नहीं होती, हमारे लगातार ये प्रयास करेंगे, चाहे हमें 15 दिन में, 1 महीने में सभा करनी पड़े, सभा करते रहेंगे और आगे की रणनीति तय करते रहेंगे। मेरे साथ हैं कृष्ण इलावादी जी, जो यानी कि यहीं के मार्ग के प्रधान हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या समस्याएं, आप अक्सर समस्याएं उठाते रहते हैं है? और आपकी समस्याओं में कभी भी अमल नहीं होता, ये क्या बात है? बंसल जी,
आपने मुझे समय दिया, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इस रोड का प्रधान और लंबे समय से दुखी सब मार्केट, लंबे समय से कितने एमएलए बने, उनसे मेरा संपर्क रहा इस रोड को, इस पानी को, निकासी को लेकर, लेकिन आज तक समस्या वहीं की वहीं खड़ी। 5 मिनट बरसात आ जाए हमारे दुकानदार ये कहते हैं आंदोलन में दम नहीं, या सरकार बिल्कुल उदासीन है आपकी मांगों के प्रति। ठीक है, ये आप ठीक कहते हैं कि शायद मेरे आंदोलन में दम ना हो, हम आवाज़ ज़रूर उठाते हैं, अमल होता है, नहीं अमल भी होता है। देखो जी, मैं जो सच्चाई कहूँगा, अमल होता है, आए आके बैठ के चले गए, भाई अभी पानी कुछ उतर जाए फिर फट्टी मारेंगे, और वो गए फिर नहीं आए। माननीय मुख्यमंत्री जी जब रोड शो किया था यहाँ, हाँ जी, तो बिल्कुल चकाचक था, पानी की एक बूंद नज़र नहीं आ रही। हाँ, जिस दिन मुख्यमंत्री ने रोड शो किया उस दिन हिसार से एस्टूएक्शन आए हुए थे, मैं उनसे मिला, मैं कहा आज आपको पता कैसे लगा कि हाँसी में पानी खड़ा होता है? बोले जी हमें कमल गुप्ता जी ने भेजा है अपने विधायक को आगे। मैं कमाल करती, मुख्यमंत्री आने से तो आपको पता लग गया, और हम इतने सालों से जूझ रहे हैं इस समस्या से, हमारे पब्लिक का कुछ नहीं, जो पब्लिक इनको बिठाती है कुर्सियों पर उनके लिए कुछ नहीं करना, हम आपको बिठाते हैं, हम इसको इसलिए बिठाते हैं ताकि हमें राहत मिले, और आप ये हाल कर रखा। आज अगर 5 मिनट बदल भी बन जाए ना, हम दुकानें बंद करके घर चले जाते हैं, क्यों? हमें पता है खतरा। आगे की रणनीति क्या हो गया? हमारी रणनीति ये है कि आज हम जो मीटिंग गणमान्य व्यक्ति कर रहे हैं, इसका पूरा, इसके यहाँ प्रधान चुनेंगे, सब कुछ करेंगे जी। और आगे के लिए पूरी जंग छेड़ेंगे, इनको पता लगे प्रशासन को, ऊपर से ऊपर अधिकारी बैठा है, आर पार की लड़ाई के मूड में आ जाओ। सरकार को बख्शेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं बख्शेंगे, प्रशासन को नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रशासन पूरा बैठा है, एसडीएम से लेकर सारे अधिकारी यहाँ बैठे हैं और हमारी समस्या को हल करने के लिए बैठे हैं, लेकिन धाक के 3 बार। मेरे साथ जनसेवा समिति के प्रधान फतेह सिंह जी हैं, जो अक्सर आवाज़ उठाते रहते हैं जनसेवा की और शहर की आवाज़ उठाते रहते हैं, आज इस बैठक में हैं फतेह सिंह जी, तो आपका मुख्य एजेंडा क्या है? और आपको बार बार ये आवाज़ उठाते हैं लेकिन हासिल में कोई भी यानी कि ऐसा नज़र नहीं आता करिए, सिवाय एक बैरिकेड्स बना दिए गए हैं सीमेंटेड और उन पर पेंट कर दिया गया है येलो और ब्लैक, इसके अलावा हमारा पशु किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ता है? निसंदेह आपने हमें मौका दिया, मैं आपका धन्यवादी हूँ। और जैसे कि आप बता रहे हो शहर के हालात के बारे, शायद मैंने जीवन में 68 साल जी अपने बसंत देखे हैं, पिछले 5 साल से खास करके इस समय का देखूँ तो इससे बुरा हाल इस शहर का नहीं रहा है। कितना बढ़िया शहर होता था, कितनी बढ़िया सफाई होती थी, हमने वो शहर देखा जब सफाई करके कूड़ा साथ उठाते थे और उसके बाद 15-20 दिन में चूना डाला जाता था नालियों के ऊपर और हमारे सीवरेज के ऊपर, लेकिन आज अड़ंगा निकाला नहीं जाता, निकालने के बाद 10-10 दिन वहीं पड़ा रहता है और सड़ता बुरी तरह से और हमारा जीवन दूभर हो रहा है। निसंदेह आप तिकोना पार्क पर जाकर देखें, जो पार्क नाम जगह थी, आज वहाँ आदमी खड़ा रहना दूभर आप क्रॉस नहीं कर सकते। और मैं तो दुआ देता हूँ लोगों को, चारों तरफ दुकानें उनकी और कैसे सारा दिन बैठ करके अपना दिन व्यतीत करते हैं, इतनी बुरी दशा है, कुछ जिम्मेवार किसको मानते हैं? सरकार को, प्रशासन को, और कुछ ना कुछ हमारी भी गलतियाँ रही होंगी जब हम अपनी कुछ मंच से आवाज़ नहीं उठा पा रहे, शायद ये करना चाहते सब कुछ हो सकता है। मैं अभी आर्य समाज से जब इधर आ रहा था यहाँ आने के लिए, तो एक स्थान था जो लड़कियों के स्कूल के पास एक कचरा पॉइंट था, आज बड़ा साफ़ सुथरा दिखे, मुझे बड़ी दिख के बड़ी हैरानी हुई, कितना बड़ा साफ़ सुथरा, भला जी आज कोई आयोजन था यहाँ इसलिए साफ़ कर दिया गया, सरकार का कोई आयोजन था राहगीरी के बदले, यदि वहाँ एक दिन के आयोजन के लिए साफ़ हो सकता तो रोज़गारी क्यों नहीं हो सकता? ये हमें दुख भी है इस बात के लिए, और बड़ा सुंदर वातावरण वहाँ लगे मुझे, और मैं जैसे इस बजरिया चौक से भी आया यही बड़ा सुंदर वातावरण लगे, बड़ा दिल अच्छा हुआ लगे जब आकर के आगे आया तो फिर वही कचरा और वही हालात देख। नगर परिषद में बड़े जुझारू पार्षद हैं, बड़ा जुझारू चेयरमैन आया, मुझे मानते हैं शायद वो अपने जिम्मेवारी पर खड़े नहीं उतर पाए। अच्छा, पर मैं इस बात का सही सरासर उड़ा दूंगा, और अभी एक मेरा साथी कह रहा था लूला ये तो ना होगा ना होने की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, अभी मेरा साथी कृष्ण जी कह रहे थे, तो ऐसे ऐसे जवाब जो हमारे शहर के जो चीफ हैं, जो शहर के वो मुखिया हैं, वो कहते हैं जिनके ऊपर जिम्मेवारी है, दुख की बात है और हमें बड़ा अफसोस है। और क्या ये साथियाँ इकट्ठे हो जाते हैं? ठीक, हम सीनियर सिटीजन हैं, सीनियर सिटीजन के नाते मांग करते रहेंगे, इनको उलाना देते रहेंगे, इनकी मांग करें ना करें इनकी मर्जी है प्रशासन की, बाकी मज़ा तो टाइम पर आने पर कुछ आदमी नाराज़ होकर फैसला तो लेगा ना, अभी सरकार ठीक है या नहीं है। ये फतेह सिंह गुर्जर जी थे, मैं कालड़ा जी के पास जाता हूँ, ये सेवानिवृत्त प्रिंसिपल हैं, कालड़ा जी खड़े होइएगा हमारे साथ आइएगा, आपसे हम केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बात करेंगे।
बड़े स्मार्ट लगते हैं आप, इस उम्र में भी उम्र दराज हो गए हैं, तो हमारे पिताश्री के साथ भी आपने काम किया होगा राधेश्याम गुप्ता। धन्यवाद आपका। हाँ, तो आपसे जानना चाहेंगे कि एक सेवानिवृत्त आप सीनियर सिटीजन हैं, सरकार आपकी मांगे क्यों नहीं मान रही है, क्या क्या मांगे? वैसे तो शर्मिला साहब ने सब कुछ बता दिया है कि सीएम साहब ने आज से 2 साल पहले मांगे मान ली थी, जैसे कि पंजाब में है 65-70 साल के बाद। उसके बाद भी हमने काफ़ी बार उनसे निवेदन भी किया, लेकिन उन्होंने इस पर अभी तक कोई काम नहीं किया। हम फिर भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हमारी मांग जो बड़ी जायज़ है, उसके उम्र के साथ जो पेंशन बढ़ाने की बात है, हम चाहेंगे कि बाकी जो नगर व्यवस्था वाली बात है आपके सामने। आप पर्सनल हाइजीन तो बहुत अच्छी है, मैं देख रहा हूँ कि बड़े साफ सुथरे हैं आपने। तो शहर की हाइजीन के बारे में आप कह रहे हैं? उनके जो सफाई की व्यवस्था, तो इस बारे में मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हमारे जो नगर परिषद के कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, उनसे कई बार प्रार्थना की जाती है बार बार उनसे, और वो हाँ भी भर देते हैं, लेकिन जितनी व्यवस्था होनी चाहिए सफाई की वो नहीं होती है। तो हम फिर भी सब उनसे फिर भी यही प्रार्थना करेंगे कि इस व्यवस्था की तरफ ध्यान दें, ताकि लोगों का जीवन अच्छा सत्र हो। आप कुछ कहना चाहेंगे कांग्रेस साहब, बताइए। धन्यवाद जी मंसूर साहब। आजकल की हमारे सिटीजन का प्रोग्राम समय समय पर होता रहता है। सरोजी जी ने आपके आपको विस्तार से सारे बारे बता दिए हैं कि हमारे शहर के अंदर भी और भी समस्याएँ रहती हैं पब्लिक के साथ, तो उसमें हम पूरा योगदान देंगे। धन्यवाद। मेरे साथ पार्षद प्रतिनिधि भी हैं, अनुराग साहब नगर परिषद में पार्षद है, और आप नगर परिषद के ही यानी कि खिलाफ आप लड़ते रहते हैं हर सर्दी के समय पर। क्या नगर परिषद का इतना दिवाला निकल गया है, क्या कोई इच्छा शक्ति नहीं है शहर में काम करवाने? ऐसा है जी कि प्रशासन के पास हम गए थे जी, और प्रशासन ने हमें विश्वास दिलाया था कि हम मतलब है कि ये सफाई व्यवस्था पूरी करेंगे, जिसमें SDM साहब झाड़ू लेकर खड़े हैं, ठकराल साहब झाड़ू लेकर खड़े हैं, सिर्फ दिखावे के लिए झाड़ू लेकर खड़े थे, मगर सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद हम तिकोणे पार्क पर धरना भी दिया हमने, भाई यहाँ पर सफाई होनी चाहिए, यहाँ पर हम 3 मूर्ति लगवाना चाहते थे, क्योंकि वो एक शहीदी स्मारक है और वहाँ पर लगाना चाहते थे, मगर वहाँ पर जब हमने देखा हमारे बैठे बैठे ही रेडियाँ वहाँ पर दबाव डालने शुरू कर दी। भाई हम उनको कहे, नेहा धवन जी भी हमारे पास बैठी थी, वो भी गई वहाँ पर, उन्होंने कहा जी यहाँ पर रेडियाँ मत डालो, मगर वो उन्होंने कह कहा कि हमारा ये पॉइंट है और हम यहाँ डालेंगे, आपने जो कुछ करना कर लो। तो हमारी ये है कि जब SDM साहब यहाँ बैठे हैं, उनको सारी व्यवस्था का पता है और वे आश्वासन दिलाते हैं कि हम एक हफ्ते में हम ठीक कर दें, मगर यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं। ग्रोवर साहब, आप तो ब्रह्म कुमारी समाज से हैं और आपका काम भी यही है कि लोगों के मस्तिष्क की सफाई करना और आंतरिक और बाहरी सफाई दोनों का ठीक है। शहर गंदा, देखिए जी इस में हमें तन और मन दोनों की सफाई चाहिए। मन की सफाई तो हम अपने अच्छे विचारों से कर सकते हैं, पर तन की सफाई जो है ये हमारी जो यहाँ की प्रशासन व्यवस्था है, यहाँ की नगर पालिका है, यहाँ के जो कार्यकारिणी है उनके जिम्मे होती है। साफ पानी देना, गलियों की सफाई करना, अब क्या देखा जी जो हमारा टैंक है वाटर टैंक, उसके सामने इतनी गंदगी, मक्खियाँ बिनती है और वहाँ से हवा से उड़ के सारा वाटर वर्क्स में पानी में जा रहा है। तो ऐसी ऐसी अगर व्यवस्था होगी, वहाँ भी पानी भी गंदा होगा, तो हमारी सारी बीमारियाँ पानी के कारण पनपती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि इस बात को जागरूक होइए आप सब हैं, और हम नागरिक पहले हैं, कर्मचारी बाद में, रिटायर्ड कम हैं, तो इसलिए हम तो इस बात को आगे जो रणनीति बनाएंगे, हम एक ऐसी बनाएंगे जिसमें हम उनकी सोई हुई खुल सके, आंखें उनकी खुल जाए, बस वही आंखें खुल। हाँ जी, हाँ जी। और मस्तिष्क का जो अंदर का कीड़ा है वो भी निकल जाए, बस। मेरे साथ पार्षद है, अक्सर आपने अपना पार्क तो बहुत बढ़िया बनवा दिया है, पार्क में बहुत बूस्टिंग स्टेशन के लिए भी आपने संघर्ष किया। शहर में इतनी गंदगी है, शहर गंदगी का आलम है, जगह जगह गंदगी के पिरामिड नज़र आते हैं, मवेशी मंडराते रहते हैं, महामारी फैलती रहती है, इसके लिए कौन जिम्मेवार बताते हैं, किसका जिम्मेवार बताते हैं इसके लिए? सर सबसे पहले तो मैं कहूँगा नगर परिषद इसके लिए मेन जिम्मेवार है, नगर हाँ जी, जिसके आप एक नुमाइंदे। बिल्कुल जी, बड़ी शर्म की बात है, बड़ा दुख होता है मुझे, बाजार जाता हूँ ढेर लगे हुए दिखते हैं,
गन के बड़ा दुख होता है। और नगर परिषद बार बार कहने के बाद भी इतने मुद्दे उठाते हैं सफाई के बारे में विशेषकर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं नगर परिषद की। नगर परिषद के अंदर भी चेयरमैन साहब को कह लिया और जितने भी अधिकारी सबको कह लिया, कर्मचारी कमी नहीं है। मैं कहता हूँ कर्मचारी कमी है तो कर्मचारी भर्ती कर लो, लेकिन उन्होंने इस तरफ ये लगा लो बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं सफाई के मामले में। शहर में कहीं चले जाओ, किसी एरिया में चले जाओ, गंद के बड़े ढेर लगे हुए हैं और बड़े दुख की बात है ये। और आज जो बुजुर्गों ने पहल की है, मैं इनके साथ हूँ और कहीं धरना लगाना हो, प्रदर्शन करना हो, इनसे आगे खड़ा मिलूंगा और इस पहल के लिए इनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। और मेरी कभी जरूरत पड़े इनके साथ रहूँगा और कहीं भी जाना। आप एसबी कॉलेज मार्केट के प्रधान भी हैं यहाँ? हाँ जी। और यहाँ घुटने घुटने पानी हो जाता है, अभी बताया सलोजा जी ने कि लड़कियाँ जाती हैं कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स, तो उनको पानी में होकर जाना पड़ता है। पानी की निकासी आज तक क्यों नहीं? पानी की निकासी के लिए सर मैं अभी ये लगा रहा हूँ 6 महीने से प्रधान बना हूँ मार्केट का, और मैंने ऊपर अधिकारी से बात भी की इस बारे में और दुकानदार भाइयों की मीटिंग भी ली थी मैंने। सभी दुकानदार भाइयों ने यही कहा है कि वैसे तो नाले इसके लिए जल के लिए पानी के लिए जो बरसाती पानी है इसके लिए हमने नाले की व्यवस्था की है, ये लगा लो कुमरा गेट से लेके और यहाँ पीछे जाड़दमवा तो इसको हम आगे ड्रेन में मिला देंगे। तो अभी बरसात का टाइम है, मान लो खोद दें तो दुकानदार भाइयों को और ज़्यादा दिक्कत आएगी। जैसे ही बरसात का मौसम ख़त्म होगा ये लाइन डाल दी जाएगी और उससे आगे मेरे को लगता है कि पानी समस्या रहेगी। और रोड है, रोड हमने पास करवा रखा है, जैसे पाइप लाइन डलवाएंगे रोड साथ बनवा देंगे। मोहताज सुल्तानी जी एक कामरेड है जो अक्सर आवाज़ उठाते रहते हैं, तो आइएगा मेरे पास, आइएगा इधर। अपनी धर्मपत्नी आशा खन्ना जी के साथ यहाँ पहुँचे हैं कामरेड जी। मोहताज सुल्तानी जी, अक्सर आप बैनर लेकर, लाल बैनर लेकर हमें नज़र आते हैं लघु सचिवालय के पास समस्याएं लेकर, तो आपकी कितनी सुनवाई करती है सरकार? सबसे पहले तो मैं, आपने ये जो हंसी आवाज़ उठाई है मीडिया के तौर पर आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हम आसी की जनता की ओर से। और तमाम ये जो वरिष्ठ नागरिक और तमाम आसी शहर के निवासी, जब भी हम प्रशासन के सामने जाते हैं केवल वही डाके तीन पात वाला उत्तर हमें मिलता है। देखिए हम पिछले लंबे समय से, मैं 20 साल से आसी में रह रहा हूँ और हमने अलग नए तरीके के अलग अलग संगठनों के माध्यम से आसी शहर की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाया, लेकिन उसके ऊपर कोई, मतलब हम देख रहे हैं आसी बहुत छड़ान मार रहा है, कहीं से निकलने का रास्ता नहीं, पीने का पानी की बहुत बुरी दशा है, सीवरेज की बहुत बुरी दशा है। और दूसरी तरफ यह बड़ा दुर्भाग्य है हमारे हरियाणा का भी और हमारे हिसार कॉन्स्टिट्यूंसी का। यहाँ देखिए हमारे बिरजेंद्र साहब जो सांसद हैं वो आते हैं और हंसी में बोल के जाते हैं कि बिजली की, सड़क की, पानी की और शहर की सफाई की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। हम पूछना चाहते हैं हंसी शहर के नागरिक बतौर यहाँ के निवासी और ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी के होने के नाते, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, सरकार की जिम्मेदारी क्या है? संसद में कानून बना के इस तमाम पीने का पानी जो जन सुविधाएँ हैं वो लागू करवाने की जो बात है, तो हम निश्चित तौर पर ये कहना चाहते हैं, हम निश्चित तौर पर ये कहना चाहते हैं आप भी आ जाए कि ये जो हंसी की जितनी समस्याएं हैं सरकार तुरंत इनको इनका समाधान करे। हम देख रहे हैं जो हंसी का दिल है जो जाट धर्मशाला से लेके उस दिल के ऊपर, मतलब जिस तरीके के हमले हैं, वहाँ स्कूल है, वहाँ गुरुद्वारा है, यहाँ अस्पताल हैं, और बड़े दुख की बात है, हम तमाम संगठनों के माध्यम से एक चिट्ठी हमने भेजी थी मुख्यमंत्री के पास और ग्रोवर साहब को समय मिला, मुख्यमंत्री साहब ने खुद आश्वासन दिया रेस्ट हाउस में, ग्रोवर साहब को 4 मिनट समय मिला कि हम इसका समाधान करेंगे। केवल यही नहीं, हंसी में जब पानी बरसात होती है तब तो निकलने का रास्ता है ही नहीं, इसलिए रावतार जी का कहना है कि यहाँ MPs आते हैं, मेंबर पार्लियामेंट जो अभी हाल ही में चुने गए हैं, और मुख्यमंत्री से भी इन लोगों की बात हुई है, लेकिन मात्र औपचारिकता रह जाती है, कोई अमली जामा नहीं पहनाया जाता। ऐसे में हमारे साथ आशा खन्ना जी जो कि CITU से जुड़ी हुई है और महिला सशक्तिकरण पे काम करती है, वीमेन एम्पावरमेंट पे काम करती है, तो आपको क्या लगता है कि हंसी शहर में कितनी समस्याएं हैं? अक्सर आप बैनर लेकर, लाल रंग का जिसके ऊपर एक और निशान बना होता है, जिसके बाद अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति हंसी से जो तहसील की सचिव है उसके नाते मैं कह रही हूँ भाई, जो अब लगातार जो आज जो सिर्फ ये रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने जो बीड़ा उठा है ये सराहनीय योग्य है, क्योंकि हमें ना हरेक उस पर ये जनवादी महिला समिति हमेशा ही इन मुद्दों को लेकर संघर्ष करती है। पर मैं सर, हम ये पानी की समस्या हुई चाहिए, जो सफाई व्यवस्था है ये लगभग पूरे देश में पूरे शहर में चरमराई हुई है,
कई चौकों पे तो हम ये देखने योग्य है भाई, जैसे त्रिकोणा पार्क है, लाल सड़क है, वहाँ से तो निकलना ही बहुत मुश्किल है। जो यहाँ तो बीमारी के बीमारी का होने का खतरा भी है, जब यहाँ जाते हैं मच्छर इतने हैं, हम कई बार स्थलों में जाते हैं फॉगिंग के लिए, तो फॉगिंग तो आगे आप क्या धनवादी महिला से संबंध रखती है, क्या करना है, इनके साथ हैं सीनियर सिटीजन के साथ? हाँ जी, जैसे ही हम वैसे भी जनवादी महिला समिति के साथ लगातार तालमेल में रहती है, जो भी मुद्दे हैं हम इनको संघर्ष में रहते हैं, और जैसे ही मान लो ये अभी भी आश्वासन देते हैं, मान लो समस्या का हल नहीं होता है, तो इस पे महिला समिति से तन मन धन से और हर तरीके से इनका सहयोग करेंगे और अगली पंक्ति में खड़ी होंगे। बुजुर्गों की बात है, ये सीनियर सिटीजन की बात है, ये जब बात करते हैं हाँसी की बदहाली की, हाँसी शहर हादसाओं का शहर है, हाँसी शहर समस्याओं का शहर है, यहाँ स्टे कैटल्स की समस्या है, यहाँ पानी की निकासी की समस्या है, सफाई का तो बुरा हाल बदहाल है, सीवर चौक है, और सरकार दावा करती है कि हमने करोड़ों रुपए की ग्रांट हाँसी शहर में लगा दी, सिवाय सीमेंट के बैरिकेड्स लगाकर उन पर पीला और काला रंग पोत देना और हाँसी को एक शो पीस बना देना और जमीनी धरातल पर कोई काम ना करना, इन बुजुर्गों की टीस है, मुँह कलेजों को आने को होता है, इन बुजुर्गों का ये सीनियर सिटीजन्स हैं, इनके आँखों में आंसू हैं, इनके आँखों में पीड़ा है एक हाँसी को लेकर, क्योंकि इन्होंने हाँसी में अपना वक्त गुजारा है, हाँसी में किसी ने 70 साल गुजारे हैं, तो उनके पोता पोतियों को जब वो लेकर सड़क पर चलते हैं पानी के अंदर, तो बूढ़ा जमीन पर लगता है और गिरने को हो जाते हैं, ऐसी बदहाली का आलम इस शहर के अंदर है, तो बार बार इन सीनियर सिटीजन्स को मीटिंग करनी पड़ती है, और इन सीनियर सिटीजन्स के अगर कोई नहीं सुनवाई करता तो युवाओं को भी आगे इनके साथ आना पड़ेगा और शहर को एक बदहाली की तरफ ना ले जाकर इसको संवारना पड़ेगा। हम तो इतना ही कहेंगे कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अनजाने गुलिस्ता क्या होगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस दो ही महकमे काफ़ी हैं, उन महकमे को आप जानते हैं कि कौन कौन से हैं, एक जिसकी पानी की जिम्मेवारी है और एक शहर की प्रशासन जिसकी स्वच्छता की जिम्मेवारी है। हाँसी की आवाज़ मीडिया आपकी समस्याओं का हमेशा उठाती रहती है, इन सीनियर सिटीजन्स की समस्याओं का उठाना हमारा दायित्व है, और इनकी आवाज़ हम ऊपर तक पहुंचाएंगे, और शहर का अगर हल नहीं निकला तो इन सीनियर सिटीजन्स का जो आंदोलन होगा उसको भी हम ऊपर तक दिखाएंगे, और शहर की बेबुद्धि के लिए हमेशा आपका चैनल, आपका प्रिय चैनल हाँसी की आवाज़ हमेशा आपके साथ रहता है। आप लोगों ने हमें बहुत मोहब्बत दी, प्यार दिया, स्नेह दिया, लेकिन इस चैनल को एक वायदे के साथ, एक वायदा आपको से चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हाँसी आवाज़ को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखिए इन बुज़ुर्गों की समस्याएं ये किस कदर, यानी कि सरकार को, आवाम को, प्रशासन को कोस रहे हैं कि हाँसी शहर किस बदहाली की ओर आ रहा है, जा रहा है, इसका सुधार होगा या नहीं होगा, इनकी आँखों की पीड़ा अपने आप अनायास इनको बता रही है। लीजिए, हम एक नए कार्यक्रम के साथ फिर प्रस्तुत होंगे और एक नई समस्या के साथ, आपसे निवेदन चाहते हैं कि ऐसी भी कोई भी समस्या हो तो हाँसी की आवाज़ पर हमें ज़रूर इतला कीजिएगा, हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, यह हमारा दायित्व है, हाँसी को साफ सुथरा रखना या इनकी समस्याओं को दूर करवाना आपके माध्यम से। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक राजीव बंसल का प्यार भरा नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।